पाती गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाती गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाती गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाती गठड़ी पाप की। मैं तो भटकू सिरों पे गठड़ी हम पाप की। और मीरा बाई जी काशी में ढूंढते फिर रही है जंगल जंगल सदगुरु को। जब काशी पहुंची गुरुदास जी को देखा और मीरा बाई कहने लगी, मेरे सिर पाती गठड़ी पाप की, मैं तो भटकू थी दिन रात। मुझे मेरे गुरु रविदास जी मिल गए, मेरे जन्मों जन्मों की महल। मीराबाई कहती है, खोजत फिरू भेदवा घर को, कोई ना करत बखानी, रविदास संत मिले मोहे सतगुरु जिन तीन सुरत सहदानी। मीराबाई कृष्ण की पुजारन थी, कृष्ण की पूजा करती थी, लेकिन पूजा करते 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 एक समय लगा कि अब गुरु की जरूरत है। और जब गुरु की तलाश में गई, मीरा राजपूतों की थी, तो उस समय में जितने भी राजपूतों के गुरु थे सबसे मिली, ब्राह्मणों के जितने गुरु थे सबसे मिली, वैश्यों के जितने गुरु थे सबसे मिली, लेकिन कहीं से मीरा की प्यास शांत न हुई। मीरा का प्यास बड़ी गहरी थी, मीरा की खोज बड़ी गहरी थी। जिसकी जितनी गहरी खोज होगी उसका उतना ही बड़ा गुरु होगा जो उस खोज को शांत करेगा। गज के आपको जय। मीरा की खोज, मीरा की प्यास बड़ी थी, तो मीरा का मन नालों में नहीं भरने वाला था। मीरा किसी नदी से शांत नहीं हो सकती थी, मीरा को तो गुरु दादी जैसा सागर ही चाहिए था। गज के आपको जय गुरुदेव। तारा हाथ में बज रहा है और देखा गुरुदास जी को, मीराबाई कहते काशी नगर के चौकमा मन में मिल गए गुरु रविदास। मेरे सिर पे पापों की गठड़ी थी, भटक रही थी दिन रात, लेकिन फिर मुझे गुरुदास जी मिले। इन्होंने कहा कि बेटा कहां भटक रही है, जब गुरु मिलता है तो तुम्हारी प्यास शांत होती है, देख के लगता है कि कुछ और भी है जीवन में करने योग्य। जब तुम किसी सदगुरु को मिलते हो तो पहली दफा लगता है कि जिंदगी को एक और ढंग से जिया जा सकता है। मीराबाई ने जब गुरुदास जी को देखा, हाथ में तुम्बा लेके मीराबाई कहने लगी, रीमन्ने गुरु पाप की।
सतगुरु माए पालकी, बैठे सतगुरु माए पालकी, सारी दुनिया को देवे उपदेश, सारी दुनिया को देवे उपदेश, हरी बिन सब जग जाले, सारी दुनिया को देवे उपदेश, हरी बिन सब जग जाले, सोने की पालकी। जब इटली की संगत ने कहा कि महाराज जी, गुरुदास महाराज जी ने इस कौम के लिए पारस का पत्थर भी ठुकरा दिया था, परमात्मा जी पारस पत्थर लेके गुरुदास जी के पास आए थे, गुरुदास जी ने ठुकरा दिया था कि मेरी संगत पोच सोच दिन राती कि मेरे समाज के लोग झोपड़ी में रहे और मैं महलों में रहूं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो आज गुरुदास जी का नाम लेके संगत गुरुदास जी के नाम का वोट आसरा लेके विदेशों में गई, पैसे कमाए। तो संत रामानंद महाराज जी को इटली की संगत कहने लगी, महाराज जी इस गुरुदास महाराज जी की बदौलत ही हम विदेशों में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने गुरुदास महाराज जी को सोने की पालकी में बिठाए। गज के आखो जय गुरुदेव। मारे गुरुआ की सोने की पालकी, मारे गुरुआ की सोने की पालकी, बैठे सतगुरु मारे पालकी, बैठे सतगुरु मारे पालकी, पाप की।